वहाँ पे मैं नहा के आ गई थी, और पहला काम होता है कि कपड़ा डालने के बाद तुरंत ही ना पूजा पाठ करना, और उसके बाद जाप करने के बाद ही कोई चीज़ स्टार्ट होती है करने के लिए। तो यहाँ पे मैं बत्ती लगा दे रही हूँ और दिया भी लगा दे रही हूँ, धूप बत्ती है और दिया है, और फल चढ़ा देती हूँ, पानी भी, क्योंकि गर्मियों का टाइम है और भगवान को भी तो गर्मी लगती ही होगी। तो यहाँ पे फल चढ़ाने के बाद कहते हैं कि बिना घंटी बजाए पूजा ना अधूरी रहती है। तो मैं तो मार्केट गई थी एक दिन, तो बहुत ही सुंदर सी ना 80 रुपये कितने की, 100 रुपये की शायद घंटी मिली थी, और इतना अच्छा घंटी ना कि पूछो मत। तो बड़ा अच्छा लगता है, छोटा छोटा ना ग्लास भगवान का ना ग्लास कटोरी ऐसे मिल गया था। तो यही है, और यहाँ पे मैंने धूप बत्ती जला दी है, दिया जला दिया है। इस तरीके से मैं पूजा कर लूँगी। पूजा करने से थोड़ा मन शांत होता है और सब कुछ ठीक रहता है। तो यहाँ पे देखिए पूजा हो गई है, थोड़ा देर जाप करूँगी बैठ के, और सब मन की ना इंसान की शांति के लिए होता है, और मन शांत रहता है तो आप मेंटली और फिजिकली मतलब सही होते हो। तो वही है एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए, और मैं भी ठीक हूँ। तो मॉर्निंग हो चुकी है, नहा धो ली हूँ मैं, नहाने धोने, इतनी गर्मी है यार, नींद ही नहीं पूरी हो रही, तबीयत जैसे भारी भारी सी लग रही। तो यहाँ पे सुबह का नाश्ता तैयार हो गया है, सब्जी आज बनेगी पनीर की सब्जी, नाश्ता तैयार हो गया है, दही वाले बू क्या नाश्ता बना है वो दिखा देती हूँ और फिर नाश्ता करती हूँ। तो ये थोड़ा सा लिया है मैंने साबूदाना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, और ये लिया है मैंने दही, तो प्रोटीन लेना है दही वही, और ये तो नाम मात्र के लिए है। उधर मम्मी भी नाश्ता कर रही हैं, और फिर नहा धो के अभी चलेंगे पनीर की सब्जी बनाएंगे, सब पीस वीस के रख लिए, बस बनाना है फटाफट, तो फटाफट बना के छुट्टी करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। एक ये दाना निकल रहा है ना, अंदर जा रहा है ना बाहर जा रहा है। चलिए आपको मिलती हूँ कुछ देर बाद, नहीं तो बात करते करते ही वीडियो लंबी। तो आज बहुत दिन बाद पनीर बन रहा है, क्योंकि पनीर खाना छोड़ दिया था, पनीर में मसाला होता है तो छोड़ दिया था। यहाँ पे आप देखोगे तो पनीर आपको ना थोड़ी सी पीली दिखेगी, लेकिन उसमें ना देगी मिर्ची डाल के आप कलर बना सकते हो। लोग कलर के लिए देगी मिर्ची डालते हैं, लाल मिर्ची डालते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती सच बताऊँ तो। तो मैं यहाँ पे अपना नाश्ता होने के बाद मैं थोड़ा देर रुक के फिर दवा खा रही थी, क्योंकि टाइम से दवा खा लो तो फिर रात को भी खाना होता है, और ज़रूरी है दवा खाना। और इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना कि फुल बाजू के कपड़े तो पहने ही नहीं जा रहे। तो यहाँ पे मखाना मैं ख़रीद के लाई थी, और वही है रखा हुआ है, और मैं खाती हूँ उस पॉपकॉर्न की तरह ना। और यहाँ पे देखिए मसाले को मैं भूज रही थी, मैंने रेसिपी से या नहीं की। तो यहाँ पे आपको पीला सा दिख रहा होगा, तो मेरे को कौन सा कलर पेट को कलर दिखाना है कि बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, मैं कलर के पीछे नहीं भागती। तो यहाँ पे मैं देगी मिर्च के ख़िलाफ़ हो गई है, मेरे को नहीं पेट का दिक्कत चाहिए। तो यहाँ पे मैं शाम को तैयार हो रही थी, और इस तरीके से मैं पहन रखी थी ये कपड़ा, थोड़ा सा देख रही थी कांच में। तो चलिए चलते हैं मार्केट, और मतलब खर्च के लिए ना पैसे निकालने थे तो इसलिए मैं जा रही थी। यहाँ पे मैं जा रही हूँ ATM, और तिका एकदम से गायब है ये ना, तब फिर जरूरी था ये। जहाँ मैं रहती हूँ ना, आपको वहाँ पे छोटी शॉप नहीं मिलेगी। तो मम्मी को ना सुई धागा चाहिए था, तो मिल ही नहीं रहा था। मैंने कहा यहाँ पे मिल जाएगा, तो मैंने एक शॉप छोटी सी देखी। देखिए यहाँ पे रबड़ सब कुछ रखा हुआ है, तो सुई धागा मिल गया मुझे आराम से। और यहाँ पे पानी आया हुआ था, बिसलेरी वाला मेरा होता है 100 रुपये का, और 50 वाला मम्मी का होता है,
और वो खाने में भी पड़ता है और मम्मी भी पीती हैं। मम्मी बोलती है मैं 100 वाला नहीं पीऊँगी, मैंने ठीक है 50 वाला कम से कम फिल्टर किया हुआ पहनो पहनो कह रही हूँ पियो। और बिस्लेरी मेरे लिए ज़रूरी है क्योंकि मेरे पेट के लिए डॉक्टर ने बोल रखा है और सारी प्रॉब्लम पेट से ही स्टार्ट है। तो फिर मैं बोलती हूँ कि घर पे तो मतलब ख़रीदना नहीं पड़ता लेकिन यहाँ ख़रीदना पड़ता है और सारी प्रॉब्लम ना पेट से ही स्टार्ट होती। तो यार पता चला 100 रुपये बचाने के चक्कर में ज़्यादा लग गया और परेशानी अलग से उठाओ तो यहाँ पे, इसलिए मैं बिस्लेरी वाला मंगा लेती हूँ और मम्मी ये वाला मंगा लेती हैं, सही रहता है। सही बताऊँ तो इधर से कान पकड़ो जाए उधर से बात एक ही पड़ जाती है। तो यहाँ पे देखिए आम भी रखा हुआ है। भी ना बजा था अभी जाइबू तो महंगा मिली सब्जी हुआ 8 बजे का सब्जी ना फल ले क्या ना। जाके आज फल लेना है, ज्यादा नहीं गर्मी है बहुत खराब हो जा रहा है। चलो आप लोगों को मिलती हूँ कुछ देर बाद, बाय बाय। जा रहे हैं फल खरीदने, फटाफट खरीद के आते हैं। बज रहे हैं 11:15, गेट पे लग चुका है ताला 10 बजे। चाबी दा निकाल नहीं तो कहाँ तो के लगा था 9 बजे तक कहाँ टमाटर कैसे दिए भैया? 30 का 2 किलो 30 का 2 किलो टमाटर कैसे दिए भैया? हमारे मार्केट में लीची महाराज ने पैर रख दिया है। हम एक बार गए उसका सुन के प्राइस चले गए, हम क्या भैया हमसे ना हो पाएगा 200 रुपये किलो। फिर वापस आए क्योंकि लीची हमको बहुत ज़्यादा पसंद है, हमको मेरा मेरा मन अटका रहेगा उसी पे। तो हम कहे आधा किलो ले ही लेते, नहीं तो पता चला रात भर पूरी रात अफसोस ही रहेगा, मन अटका ही रहेगा। तो आधा किलो लीची करें, आधा किलो लीची लिए। सोचे थे फल लेंगे, फल इतना महंगा, सेब 150 रुपये किलो, केला 60 रुपये दर्जन, बाप रे बाप। अनार सही देते रहा ले वही टाइम ले ले 50 रुपये को उतना 1 किलो। हाँ अंगूर 150-150 रुपये किलो, बाप रे बाप इतना महंगा हो गया सब फल। दस रुपए का लौकी, 10 पैक नेनुआ, 10 रुपए करेला, ये सही मिलल करेला लौकी और 10 रुपए का ही। 40 रुपए में इतना सब्जी और बाकी 100 और 175 175 में फल 200 से ज्यादा। हाँ का पानी पूरा मिला के हो गया और वो लिया गया है पूरा मिला के 500 रुपया चला गया। बचाते बचाते 500 रुपए, भैया दिल्ली का खर्चा बहुत ज्यादा है। अरे सवेरे दूध लिया, टाइम से सो जाते हैं यार, टाइम से सो जाते हैं। आपको मिलते हैं कल सुबह
ठीक है, इसी के साथ ब्लॉग का एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना।